हम वगैरह रेडी एंड पाकिस्तानी के आज़ाद होने का छुट्टी ले रही है। ओके बाय। तो भैया मैंने रिकॉर्डिंग करवाया बिकॉज इट वॉज गेटिंग लेट। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीबॉडी इज परफेक्टली फाइन। जो लोग फैन किया मैं पूजा कर रहा था, इतना पसीना आ रहा था अभी उस रूम में, तो फैन चला नहीं सकते, एसी है नहीं पूजा रूम में, तो फैन बहुत हल्का हल्का चल रहा था लेकिन स्वेटिंग ज़्यादा हो रही थी पूजा को। तो ये मैंने गलती से पसीना पूछ दिया तो यहाँ पर लग गया, ये जा नहीं रहा है लेकिन अभी हो रहे हैं लेट। बट आई होप कि आज थोड़ा सा ट्रैफिक कम होगा सिंस कंसिडरिंग कि लॉन्ग वीकेंड है तो लोग छुट्टी उट्टी मारेंगे, बस ये हो जाए। यहाँ पे खड़ा अपना रुद्रा, ये लाइट जलती है ना DRLs, वो बड़े सही लगते हैं। कल मेरे लेफ्ट साइड वाले शीशे पे ना किसी ने चटनी खिला दी यार, मोमोज वाली, तो बड़ा अजीब सा निशान हो गया है, यहाँ समझ नहीं आएगा। और यहाँ देखो आप, थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना हल्का सा, मैंने गीले कपड़े साफ किया था गीले कपड़े से लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब ज़रा भागा जाए। ओम नमः शिवाय, जय भोले शिव शंकर। ये भाई ये रोड, कल भी शायद मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था, थोड़ी सी ठीक हो जाए ये रोड तो रास्ता और कम हो जाए। एक्चुअली इस रोड की कंस्ट्रक्शन के बाद मेरा ना जो ट्रैवल टाइम था 15 मिनट बढ़ गया है, बिकॉज मुझे गांव के अंदर से होते हुए जाना पड़ रहा था और वहां पे इतने स्पीड ब्रेकर्स हैं ना, इतने ज़्यादा। और तो फास्ट है मेरा बाय द वे, लेकिन खाना या कुछ भी नहीं खाया तो 15 मिनट बढ़ गया था। तो मैं दो दिन से रस्ते जा रहा हूं, तो मेरा 15 मिनट कम हो गया था, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। बट हाँ, थोड़ा सा रास्ता अगर ठीक हो जाए, देखिए भाई साहब मतलब कहाँ घट्टा, ये तो थार है या कोई SUV तो थोड़ी आराम से निकल जाए, लेकिन अगर SUV ना हो तो छोटी गाड़ी की ना वाट बन जाएगी ऐसे में। बड़ा शुरू परेशान हो गया भाई, काफी हद तक तो खाली है। लेट्स सी, मेन तो अब आएगा स्पेनिश कोर्ट वाला एरिया, जैसे भी जो भी गुड़गांव से है इस साइड से, बेसिकली उद्योग विहार साइड से, पालम विहार एंड ऑल दैट, उन्हें पता होगा ये सबसे ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक। खाई लग रहा अभी तक तो स्पेनिश कोर्ट तो पार कर लिया विदाउट एनी इशू। तो यूजली मुझे ना इस टाइम पे लगता है लगभग 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, सोचो ये 16 किलोमीटर तय करने के लिए 1 घंटा 20 मिनट लगता है मुझे। आज मैं बता दूंगा कितने बजे मैं पहुंचूं, कितने देर में पहुंचूंगा आज मैं पता करता हूँ। किसी भाई ने अपनी इसुजु कितनी सही मॉडिफाई कराई हुई है, टायर देख लो भाई साहब के, बिल्कुल ऑफ रोडिंग के लिए प्रिपेयर की हुई है। इसका आप एग्जॉस्ट देख रहे हो, एग्जॉस्ट नोट कितना मोटा, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ नॉइस। फाइनली ऑफिस पहुंच गया हूं और 10:05 पे निकला था, 10:05 पे मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी और बेसिकली अब मैं पहुंच गया हूं 10:45 पे, मतलब कि 40 मिनट में, मतलब पैक बेकार टाइम वैसे को, लेकिन कंपेरेटिवली 1.5 घंटे से तो बहुत बेटर है। जरा ऑफिस जाते हैं, मिलते हैं आपको शाम को। वेलकम बैक, आई एम बैक फ्रॉम ऑफिस। थोड़ा लंबा खिंच गया मामला, मतलब कल वैसे भी हॉलीडे है तो थोड़ा सा काम था जो हमें जो मुझे क्लोज करना था, तो उसके लिए थोड़ा सा लेट हो गए। और आज चल रहा है बिग बॉस का फिनाले, जहाँ पे जिसमें एलविश यादव है जिसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली, एज ए गुड मतलब लुक्स टू बी ए वेरी नाइस पर्सन यार व्लॉग्स में, और सपोर्ट तो उसका अल्टीमेट ही है। तो ज़रा फटाफट भागे, ज़रा फैन हम भी देखें। कह रही अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ था लगभग 8:30 बजे के आसपास, तो 10 मिनट में ही पहुँचता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको घर पर। था मुझे तो ये कर रही है, ये देखो अच्छा जी देख लो इसको, जैसी लाइन खुली है देखिए बिग बॉस लास्ट मोमेंट चल रहा है, लाइंस ओपन की है 15 मिनट के लिए, तो मैडम लग गई है एलवी यादव को सपोर्ट करने के लिए। ये यादव 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 भाई बहन मल्टीपल वोट्स करें जॉब इसी ताकि छोड़ेंगे यादव जी को। चलो मैं वोट करता हूँ भाई, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं अलीश यादव को। और यहाँ पे आ रही हैं मनीषा रानी, आ गई रिजल्ट हमारे पास और फाइनल रिजल्ट आने वाला है बिग बॉस का, कौन जीतेगा
Abhishek is Elvis. तो ये था आज का दिन यार, ऑफिस रहता है ना तो ऐसे सीन रहता है पूरा, कि आधा टाइम ऑफिस में आधा टाइम घर पे। जितना भी टाइम मिलता है ब्लॉग बनाता हूँ अपना, जितने भी लाइफ में जो चल रहा होता है आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को शेयर करता हूँ। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा जो भी हम लोग बनाते हैं ब्लॉग्स, जो भी छोटी छोटी मस्ती करते रहते हैं दोनों मिलकर। तो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, चैनल पुराने तो शेयर कर देना। हालात बहुत ख़राब है, नींद आ रही है, अभी सुबह भी सो गया था मैं टीवी देखते देखते। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।